वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू, आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ये उम्मीद करता हूँ, और रोज़ का काम रोज कर रहे होंगे ये भी उम्मीद करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से फर्स्ट इलस्ट्रेशन। किसका? जर्नल वाले चैप्टर का फर्स्ट इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर इलस्ट्रेशन समझाऊंगा बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से, और आपने अपने घर पर प्रैक्टिकल सॉल्व करना है। जी हाँ, प्रैक्टिकल की जो फोटो है वो मैं आपको कल भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, और आपने वो सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं। हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एक नाम से समझने वाली बात है। स्टेटमेंट है, सियाराम एंड संस ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। सियाराम एंड संस ने, ठीक है बेटा, प्रारूप मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ डेट आती है या पर्टिकुलर आता है, कि लेजर फोलियो नंबर है, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये परफॉर्मा सेट है। सियाराम एंड संस ने 50,000 लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। अब क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, वो एक को डेबिट किया जाता है, एक को क्रेडिट किया जाता है। सियाराम एंड संस ने पैसे लगाए, बिजनेस में पैसा आया, जब कैश आता है तो डेबिट होता है, इसीलिए बिजनेस में पैसा आया और वो पैसा कैपिटल के रूप में होता है। जब बिजनेस में पैसा लगता है, एक तरफ कैपिटल कैश रेज होता है, बिजनेस में एसेट बढ़ती है, दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ती है, इसीलिए एसेट के बढ़ने पर अर्थात कैश के आने पर हम डेबिट करते हैं। ऐसे ही कैश के आने के साथ साथ कैपिटल बढ़ती है, और जब कैपिटल बढ़ती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। इसीलिए हमारी पहली एंट्री जो है वो हमारी है, क्योंकि बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और साथ में लिखी जाती है ब्रीफिंग। ब्रीफिंग में होता है नरेशन, बीइंग कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस, कैश को बिजनेस में लाया गया बाय सियाराम एंड संस, सियाराम संस के द्वारा बिजनेस में कैश लाया गया। बेटा अगर कोई दिक्कत आने लगे तो बेशक आप मुझसे पूछ लेना। जी हाँ, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके इसके बारे में पूछ लेना, कुछ इसलिए ना हो तो। ये जनवरी 1st की एंट्री थी 2020 की, हमने लिख दी डेट। अब जनवरी 2 को क्या हुआ कि हमने कुछ माल नगद खरीदा है, हमने कुछ गुड्स नगद खरीदे हैं, और उसके लिए हमने कैश दिया है 20,000। जब हम गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, गुड्स आती हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाता है, क्योंकि गुड्स को खरीदना एक एक्सपेंस है, गुड्स को खरीदना एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस में वो एक्सपेंस के नाम से डेबिट होता है, और वो एक्सपेंस है परचेज। ठीक है, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज का अकाउंट एक्सपेंस की वजह से क्या होता है, डेबिट। और यहाँ पर कैश आता नहीं है, कैश जाता है, जब कैश गोन होता है, जाता है, तो क्या करते हैं उसे, क्रेडिट। यहाँ कैश गोन हो रहा है, जब जाता है तो क्रेडिट करते हैं, और जब आता है बिजनेस में कम तो डेबिट करते हैं। बिजनेस में कैश आएगा तो डेबिट होगा, कम में डेबिट होता है। यहाँ पर बिजनेस में गुड्स खरीदी है तो कैश जा रहा है, इसलिए जब कैश जाता है तो, ठीक है, वो क्रेडिट होता है। परचेज क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि परचेज करना किसी एक प्रकार का बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के नियम के हिसाब से क्या होते हैं, डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, किसी एक नियम को पकड़िए, इससे एंट्री हो जाती है 20,000 की डेबिट अमाउंट, 20,000 की क्रेडिट अमाउंट। और जो जनवरी 4 की एंट्री है, आप उस पर चलते हैं, ठीक है। जनवरी 4 की एंट्री में बताया गया, हमने जो है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सुभाष से गुड्स खरीदे हैं 12,000 के, सुभाष से 12,000 की गुड्स खरीदी हैं। अब गुड्स नगद नहीं खरीदी, यहाँ किसी व्यक्ति का नाम आया है, गुड्स खरीदी है, खरीदा है तो एक्सपेंस हुआ है, इसलिए परचेज अकाउंट तो डेबिट हो गया, ठीक है, खरीदा है, एक्सपेंस हुआ है, गुड्स आई हैं, तो ये तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि एक्सपेंस है। अब नगद नहीं खरीदा, नगद खरीदा होता तो कैश वर्ड आ जाता नीचे, कैश गोन होता। अब जब नगद ना खरीदा जाए, उधार खरीदा जाए, तो उधार में उस व्यक्ति का नाम आ जाता है, किसका, देने वाले का, गीवर ट्रेड होता है ना पर्सनल अकाउंट के नियम से, क्रेडिट द गीवर, ये गीवर है, इस वजह से क्या हो गया, क्रेडिट। या वैसे भी आपको ये समझ आ जाए कि इन दोनों में से एक, हमने कुछ खरीदी है, खरीदी है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, बिल्कुल डेबिट होगा। अब वो नगद खरीदा है तो कैश होगा, अगर वो उधार खरीदा है तो किसी व्यक्ति का नाम होगा मेरे बच्चों, ठीक है, ये गीवर होता है, ये वैसे भी क्रेडिट होना है, क्योंकि अगर नगद खरीदे तो कैश होता है, और सुभाष से खरीद रहे हैं, सुभाष एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति का नाम कैश की जगह आ जाता है उधार के लेन देन में, इसीलिए हमने 12,000 से एंट्री कर दी, 12,000 डेबिट, 12,000 क्रेडिट। आपको कहोगे मैं लेजर फोलियो में कुछ नहीं लिख रहा, अभी तो मेरे लेजर की यहाँ पोस्टिंग करनी नहीं है, लेजर मेरी आगे अभी बनी नहीं है, एंट्री होने के बाद जिस दिन मैं लेजर में डालूंगा वो नंबर यहाँ आ जाएगा कि किस जगह पर इसने प्लेस लिया है। अब जनवरी 5 की एंट्री है,
चलिए फाइव में कहता है हमने नगद फर्नीचर खरीदा 6,000 रुपये का। अब कुछ खरीदा है, अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज डेबिट होता है, एक्सपेंस होता है। अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं, फर्नीचर एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे कौन सा नियम लागू होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आएगा, जो प्रॉपर्टी आएगी वो डेबिट होती है और जो जाएगी वो क्रेडिट होती है। यहाँ पर क्योंकि फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर बिजनेस में आया है, कोई भी जब आता है, कोई भी एसेट आती है तो क्या होती है? डेबिट। और जाती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो आने पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आया कम ये डेबिट हो गया, और जो गया वो कैश, कैश जाने पर क्या होता है? क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट हो गया। और याद रखिएगा मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर डेबिट को DR करके लिखा जाता है और क्रेडिट के लिए हम टू वर्ड का यूज कर लेते हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर शुरू में नहीं बताया आपको कि कैसे है। अब लास्ट एंट्री है, तो लास्ट एंट्री में क्या करते हैं कि हमने सुभाष से माल खरीदा था 12,000 का, इस व्यक्ति को हम 8,000 की पेमेंट देने वाले हैं सुभाष को। जब हम सुभाष को पेमेंट देंगे, सुभाष तो उस पेमेंट को रिसीव करेगा, तो सुभाष रिसीवर होगा, तो डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट के नाम से सुभाष क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में एक रिसीवर होता है, एक गिवर होता है। जब हम पैसे दे रहे हैं और सुभाष रिसीव कर रहा है, सुभाष क्या है? रिसीवर। और रिसीवर क्या होते हैं? डेबिट द रिसीवर। ये डेबिट हो गया, कैश जा रहा है, कैश बोन है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो इन दोनों में से एक किसी एंट्री को पता चलता है कि हाँ भी सुभाष इस वजह से डेबिट हो रहा है, वो रिसीवर है, तो दूसरी तो अपने आप वो कैश जा रहा है तो कैश अपने आप क्रेडिट हो जाता है। तो ये 8,000 रुपये हम उसे दे रहे हैं, 8,000 डेबिट का अमाउंट, 8,000 क्रेडिट का अमाउंट। स्टूडेंट्स अब जो 16th Jan की एंट्री है उस पर हम आते हैं। हमारा यहाँ है कि हमने कुछ गुड्स परचेज करी हैं, ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि फॉर कैश, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि फॉर कैश। हमने रवि से गुड्स खरीदी हैं लेकिन कैश देके खरीदी हैं। जब कैश देके खरीदी हैं फिर रवि का नाम हो, सुरेश का नाम हो, मोहन का नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने गुड्स खरीदी हैं, रवि से खरीदो, मोहन से खरीदो, शालू से खरीदो, किसी से खरीदो, लेकिन जब वो नगद खरीदी हैं तो कैश गया है हमारे पास से, तो सीधी सी बात है। गुड्स खरीदी हैं तो एक्सपेंस हुआ है, इसलिए क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, एक्सपेंस है, ये मैं बता रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए। गुड्स खरीदी हैं, परचेज हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस की वजह से नॉमिनल अकाउंट के नियम के हिसाब से डेबिट। कैश गया है, कैश गोन हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? कैश क्रेडिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स आई, कैश चला गया टू कैश, गोन होने पर क्रेडिट होता है। 7500 लिखिए, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, रवि किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि नगद ही खरीदा है। अगर नगद वर्ड ना होता, कैश वर्ड ना होता, फिर रवि से खरीदी होती, फिर उस नाम का महत्व होता, इसका मतलब होता हमने उधार खरीदी। जैसा अगली एंट्री में आ रहा है, गुड्स रवि से खरीदी है, कितने की? 5,000 रुपए की गुड्स रवि से खरीदी है। तो फिर अब परचेज क्योंकि खर्चा है, ये देखो ये क्वेश्चन आपको स्पेशली समझा रहा है, जब नगद खरीदेंगे तो कैश आएगा, जब उधार खरीदेंगे तो जहां कैश वर्ड यूज हुआ है वहां नाम यूज हो जाएगा। किससे खरीदी? रवि से। रवि के आगे अकाउंट नहीं लिखते क्योंकि किसी भी ह्यूमन बींग के नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं। जब ये कैश है तो कैश लिख रहे हैं, और जब कैश नहीं है तो किसी व्यक्ति का नाम आना चाहिए, किसी संस्था का नाम आना चाहिए, वो आ गया है रवि, उधार खरीद रहे रवि से। अब बींग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि, अब रवि के नाम को लिखा है, 5,000 की गुड्स डेबिट, 5,000 की क्रेडिट। 20 तारीख की एंट्री है, मशीनरी खरीदी है, वो भी नगद मशीनरी खरीदी है, मशीनरी तो एक एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आए वो चीज क्या होती है? डेबिट। जो जाए वो क्या होती है? क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि मशीनरी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी पे रियल अकाउंट का नियम लागू होता है। मशीनरी आ रही है, मशीनरी आने पर डेबिट, कैश जाने पर क्रेडिट। अब क्या लिखेंगे इसमें? बींग गुड्स मशीनरी परचेज ऑन कैश, मशीनरी परचेज ऑन कैश, नगद माल मशीनरी खरीद ली, 8,000 की 8,000 की। लास्ट एंट्री है 26 की, रेंट दिया, रेंट देना, रेंट क्या है? एक खर्चा, खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। रेंट दिया, खर्चे डेबिट हो गए, किसमें देते हैं? नगद देते हैं, नगद देते हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अर्थात कैश गोन, अगर गोन हो तो क्या होता है? क्रेडिट, ठीक है। मेरे बच्चों कितना रेंट दिया है? 400 रुपये डेबिट में, 400 रुपये क्रेडिट में, बींग रेंट पेड इन कैश। मेरे बच्चों एक बात और बता दूं, कई बार क्या होता है कई किताबों में इसका ग्रांड टोटल लगा होता है, भाई कितनी एंट्री महीने भर में हुई है, क्योंकि हमने जनवरी मंथ की ही की है हमने सारी इसमें, तो पूरे एक महीने की मैंने आपके सामने जनरल बताया कि जो ट्रांजेक्शन हुए थे, ठीक है। अब इनका ग्रांड टोटल नीचे लगाया जा सकता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट पक्ष
बराबर है।